हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं हम कर लेते हाइवे इंजीनियरिंग कर लेते इसके हमने 13 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका 14 पार्ट करेंगे। 14 पार्ट में आज हम टॉपिक देखने वाले हैं सीबीआर। ठीक है, सीबीआर मतलब कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो टेस्ट। ठीक है, सीबीआर टेस्ट हम देखने वाले हैं। ठीक है, जिसका जो फुल फॉर्म है कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो टेस्ट। ठीक है, तो इसके बारे में हम सारी चीजें टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि बेरिंग रेशियो मतलब जो बेरिंग कैपेसिटी है उसका हम रेशियो निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या स्टेप्स आ जाते हैं, क्या क्या चीजें आ जाती हैं, हम सारी डिस्कस करेंगे। तो इसके कुछ पॉइंट हैं, हम देख लेते हैं। सीबीआर टेस्ट इज ए मेजर ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ ए मटीरियल टू पेनिट्रेशन। ठीक है, तो ये क्या होता है सीबीआर टेस्ट, इसमें हम क्या करते हैं, रेसिस्टेंस जो है कोई चीज पेनिट्रेट करने का रेसिस्टेंस मटेरियल का वो कितना है वो हम निकालते हैं। जैसे पहले इसको हम पढ़ लेते हैं फिर देख लेते हैं। सीबीआर टेस्ट इज ए मेजर ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ मटीरियल टू पेनिट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड प्लंजर। ठीक है, स्टैंडर्ड प्लंजर एक होता है, उसकी जो भी पेनिट्रेशन है उसका पेनिट्रेशन रेसिस्टेंस कितना है मटेरियल का वो हम इसमें देखते हैं। ठीक है, अंडर कंट्रोल्ड डेंसिटी। ठीक है, अंडर कंट्रोल्ड डेंसिटी, डेंसिटी भी हम कंट्रोल में रखते हैं और जो मॉइस्चर कंडीशंस है वो भी कंट्रोल में रखते हैं। जैसे कि हम बात करें कि हमारे पास कोई मटेरियल है, मान लेते हैं साइल है। ठीक है, तो साइल पे अगर हम स्टैंडर्ड प्लंजर अगर हम डालते हैं तो उसकी जो पेनिट्रेशन है मतलब कितना वो अंदर तक पेनिट्रेट करता है सॉइल में, तो वो रेसिस्टेंस हम चेक करते हैं। अगर मान लेते हैं कि ये प्लंजर इजिली इसमें पेनिट्रेट कर रहा है तो इसका मतलब हुआ कि जो सॉइल का जो रेसिस्टेंस है वो क्या होगा, रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, रेसिस्टेंस जो होगा लेस होगा। अगर इजिली पेनिट्रेट नहीं कर रहा है तो सॉइल का जो रेसिस्टेंस होगा वो क्या होगा, मोर होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सीबीआर टेस्ट क्या होता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, चेक रेसिस्टेंस। ठीक है, कि मटेरियल का कितना रेसिस्टेंस है, कितना वो रेसिस्ट कर रहा है इस पेनिट्रेशन को। ये अगर कोई चीज प्लंजर जो है इसमें पेनिट्रेट कर रहा है तो वो उसको कितना रोक रहा है। ठीक है, अगर ये पूरा प्लंजर जो है पेनिट्रेट किया इसका मतलब लेस रेसिस्टेंस है। अगर ये प्लंजर बहुत कम पेनिट्रेट किया यहां तक पहुंचा तो इसका मतलब रेसिस्टेंस जो है मटेरियल का मोर है। ठीक है, इट वॉज डिवेल्प्ड बाय द कैलिफोर्निया डिविजन ऑफ हाईवे। ठीक है, ये किसने डेवलप किया है सीबीआर टेस्ट, कैलिफोर्निया डिवीजन ऑफ हाईवेज ने। ठीक है, ये आपको रिमेंबर कर लेना, ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि जो सीबीआर टेस्ट है वो किसने डेवलप किया है, कैलिफोर्निया डिवीजन ऑफ हाईवेज ने। ठीक है, डिवेल्प फॉर क्लासिफाइंग एंड इवाल्वेटिंग साइल सबग्रेड। ठीक है, तो ये किसके लिए डेवलप किया गया है, जो हमारे पास कैलिफोर्निया डिवीजन ऑफ हाईवे ने जो डेवलप किया है सीबीआर टेस्ट वो किसके लिए डेवलप किया है, कि जो भी हमारे पास साइल का जो सबग्रेड है उसको इवाल्वेट करने के लिए और उसको क्लासिफाई करने के लिए। जो सबग्रेड है क्या होता है उसको भी हम आगे देखेंगे, ये हमने पहले भी देखा है कि साइल का सबग्रेड क्या होता है। ठीक है, सबग्रेड और जो बेस कोर्स है साइल का, साइल मटेरियल का, वो हम चेक करते हैं बेस कोर्स मटेरियल किसके लिए, फ्लेक्सीबल पेमेंट्स के लिए। तो ये आपने याद रख लेना, यहाँ पे फ्लेक्सीबल पेमेंट्स की बात हो रही है। ठीक है, तो आई होप ये आपको सीबीआर के बारे में भी जानकारी होगी होगी कि सीबीआर क्या होता है, सीबीआर टेस्ट क्या होता है। ठीक है, इसको कैसे करते हैं, क्या इसमें होता है, वो सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके कुछ हम और पॉइंट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीबीआर टेस्ट मे बी कंडक्टेड इन रिमोल्डेड और अनडिस्टर्ब सैंपल। तो सीबीआर टेस्ट हम रिमोल्डेड सैंपल का भी करते हैं और अनडिस्टर्ब सैंपल का भी करते हैं। ठीक है, रिमोल्डेड सैंपल हो गया जो सैंपल डिस्टर्ब होता है। ठीक है, डिस्टर्ब सैंपल को हम बोलते हैं रिमोल्डेड सैंपल, डिस्टर्ब सैंपल को, और ये आ गया अनडिस्टर्ब सैंपल। डिस्टर्ब सैंपल हो गया मतलब मान लेते हैं कि हमने कोई साइल का सैंपल लिया। ठीक है, तो डिस्टर्ब का मतलब हो गया कि जो साइल की एक्चुअल प्रॉपर्टी है साइट में वो मेंटेन नहीं रहती। ठीक है, वो जो सैंपल में मेंटेन, जैसे कि हमने साइल है सिंपली उसकी खुदाई करके जो सैंपल लिया उसको हम डिस्टर्ब सैंपल बोलेंगे। अनडिस्टर्ब सैंपल हम किसको बोलेंगे, साइल का हमें एक पोर्शन जो है ड्रिलिंग करके वो एक जो सिलेंड्रिकल पीस में हम कट कर देते हैं साइल को, उसको हम बोलते हैं अनडिस्टर्ब सैंपल। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें तो इस टेस्ट में क्या क्या चीजें होती हैं। एक सिलेंड्रिकल प्लंजर होता है। ठीक है, सिलेंड्रिकल प्लंजर इसमें होता है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये सिलेंड्रिकल प्लंजर है। ठीक है, तो जो सिलेंड्रिकल प्लंजर होता है उसकी जो डायमीटर रहता है 50 mm उसका डायमीटर रहता है। ठीक है, इसका जो डायमीटर है ये कितना रहता है, 50 mm इसका डायमीटर रहता है। ठीक है, ये पेनिट्रेट करता है किसमें, पेमेंट कंपोनेंट मटेरियल में, जो भी मटेरियल हम इसमें डालेंगे इसमें पेनिट्रेट करता है। ठीक है, इसमें मतलब हम इंसर्ट करते हैं और ये नीचे नीचे चलते जाता है।
ठीक है। और इसकी जो स्पीड रहती है वो कितनी रहती है, 1.25 mm/min, ठीक है, 1.25 mm/min। सीबीआर टेस्ट में इसकी जो स्पीड रहती है 1.25 mm/min, मतलब एक मिनट में ये कितना मूव करेगा प्लंजर, ये एक मिनट में करेगा 1.25 mm मूव करेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें द लोड्स फॉर 2.5 and 5 mm आर रिकॉर्डेड, तो जो भी लोड है ठीक है वो हम 2.5 mm जो हमारे पास ये है जो भी हमारे पास जो पेनिट्रेशन होगी वो रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये आ गया 1.25, जैसे ही हमारे पास 2.5 mm हो गया उस टाइम पे हम रिकॉर्डिंग एक रीडिंग ले लेंगे, जैसे ही 5 mm हो गया उस टाइम पे हम दूसरी रीडिंग ले लेंगे इसकी, ठीक है। दिस लोड इज एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ स्टैंडर्ड लोड वैल्यू एट रिस्पेक्टिव डिफॉर्मेशन लेवल टू ऑब्टेन द सीबीआर वैल्यू, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे इसका देख सकते हैं, ये है मोल्ड, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये है मोल्ड है, ठीक है। इसका जो साइज रहता है 150 mm × 175 mm इसका साइज रहता है, ठीक है। ये मटेरियल हम इसमें डाल दें टेस्टिंग करने के लिए, पेनिट्रेशन करने के लिए, सीबीआर टेस्ट करने के लिए। ये सीबीआर टेस्ट अपरेटस है, इसको हम बोलते हैं प्रोबिंग रिंग, ये वाला प्रोबिंग रिंग है, ये हमारे पास प्लंजर है, ठीक है। तो ये सारा सेटअप है किसका, सीबीआर का, ठीक है, सीबीआर का ये सेटअप है, ठीक है। आगे हम इसका प्रोसीजर देखेंगे किसको कैसे किया जाता है, तो आपको ये सेटअप याद रख लेना है ताकि आप आगे आपको जो है समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इसके हम एम की बात करें, सीबीआर टेस्ट के एम की बात करें, अगर सब ग्रेड साइल का हमने सीबीआर टेस्ट करना है तो इसका क्या एम है, इसका एम हम देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ कैलिफोर्निया बीडिंग रेशो, ठीक है। तो हम क्या निकालते हैं इसमें, कैलिफोर्निया बीडिंग रेशो जो है सबग्रेड साइल का वो हम निकालते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कौन कौन सा अपरेटस यूज होता है सीबीआर टेस्ट करने के लिए वो हम देख लेते हैं। जैसे कि पीछे हमने अपरेटस तो अभी देख लिया, उसकी पिक्चर देख ली है, फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट यहाँ पे होती है लोडिंग मशीन, ठीक है, लोडिंग मशीन हमारे पास होती है। तो लोडिंग मशीन में हमारे पास कोई भी कंप्रेशन मशीन हो सकती है, ठीक है, जिसकी जो ऑपरेशन स्पीड रहेगी, जो रेट रहेगा उसका, वो रहेगा 125 mm/min। जैसे कि मैंने बताया था कि जो पेनिट्रेशन रेट है वो कितना रहता है, 125 mm/min, ठीक है। उसके बाद एक सिलेंड्रिकल मोल्ड हम यूज करते हैं, सिलेंड्रिकल मोल्ड भी मैंने आपको दिखाया जिसमें हम मटेरियल डालते हैं। तो इसका जो साइज था वो 150 mm डायमीटर था इसका, और 175 mm इसकी हाइट थी, वो भी मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। जिसमें कि एक कॉलर होता है हमारे पास, जो कॉलर का साइज रहता है 50 mm लेंथ रहती है, ठीक है। एंड एक डिटैचेबल परफोरेटेड बेस होती है, डिटैचेबल बेस, जैसे कि उसकी जो मोल्ड था उसकी एक बेस होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें इसमें कंपैक्शन रैमर होता है, ठीक है, जो कंपैक्शन करने के लिए हमें यूज होता है, ठीक है। कंपैक्शन रैमर किस तरीके का होता है, मतलब एक सिंपली रॉड टाइप की मान लेते हैं, तो उससे हम कंपैक्शन करते हैं, कंपैक्ट करते हैं। देन सरचार्ज वेट, सरचार्ज वेट इसमें जो हमारे पास होता है एनुलर वेट जो होते हैं 2.5 kg के होते हैं सारे, और इनका जो डायमीटर रहता है 147 mm डायमीटर रहता है। फिर उसके बाद ISCUs होती हैं, सीव मतलब छानियाँ होती हैं 20 mm की, ठीक है। कोर्स फिल्टर पेपर होता है, ठीक है, फिल्टर पेपर है। देन हमारे पास बैलेंस होते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हम, मतलब और भी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये मेन मेन चीज़ें इसमें हैं अपरेटस में, सीबीआर टेस्ट के अपरेटस में, ठीक है। आई होप आपको पता चल गया होगा इसका अपरेटस पता चल गया होगा, ठीक है। आगे हम इसका प्रोसीजर देखेंगे। तो हम बात करें प्रोसीजर की, कि जो कैलिफोर्निया बीडिंग रेशो टेस्ट है वो कैसे किया जाता है, उसका क्या प्रोसीजर है, कैसे कौन कौन से स्टेप किए जाते हैं, कौन सा स्टेप कब किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, सीव करते हैं सैंपल को, ठीक है। सबसे पहले हम सैंपल लेते हैं, उसकी सीविंग करते हैं, उसको छानते हैं। 20 mm सीव यूज करते हैं, 20 mm ISCU हम यूज करते हैं, ठीक है। तो पहले हमने सैंपल लिया, जो भी हमारे पास मिट्टी है, जो भी है, जो सैंपल है वो हमने लिया, ठीक है। 20 mm से उसकी सीविंग की, मतलब उसको छाना। उसके बाद जो जितना भी मटेरियल हमने जो सीव किया होगा उसमें से हमने खाली 5 kg मटेरियल लेना है, ठीक है। तो 5 kg हमने मटेरियल उसमें से ले लिया। 5 kg मटेरियल लेने के बाद हमने क्या किया, उसमें पानी ऐड करना है, ठीक है। 5 kg मटेरियल है, उसमें हमने क्या करना है, वाटर ऐड करना है, ठीक है।
5 केजी में हमने क्या करना है, वाटर को ऐड करना है। ठीक है, वाटर को हम मतलब इस तरीके से ऐड करेंगे कि हमारे पास जो फील्ड का जो मॉइस्चर कंटेंट है वो अचीव हो जाए। मतलब इस तरीके से पानी हम लैब में ऐड करेंगे कि जितना फील्ड में पानी हो सकता है उस मिट्टी में उतना हम उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ठीक है, थॉरली मिक्स करेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो स्पेशल डिस्क है प्लेस करेंगे ओवर द बेस प्लेट, जो भी बेस प्लेट है वहां पे स्पेशल डिस्क डालेंगे। ठीक है, एंड फिर क्या करेंगे, जो भी हमने साइल वाटर मिक्स जो है जो बनाया है उसको 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 5 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब जैसे 5 केजी ये डाला था हमने सैंपल, प्लस कुछ वाटर डाला था, मान लेते हैं ये बन गया कोई 6 केजी बन गया। ठीक है, मान लेते हैं ये बन गया 6 केजी, नहीं बनेगा या 5.5 ही रखो या फिर 6 रखो। ठीक है, 6 केजी बन गया। ठीक है, तो 6 केजी को हम 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.2 आ जाएगा। ठीक है, 1.2 आ जाएगा, मतलब 1.2 केजी जो है हमें मतलब इसके 5 पार्ट करने हैं। 1.2 केजी, 1.2 केजी, 1.2 केजी, 5 पार्ट में डिवाइड करना है। 5 पार्ट में डिवाइड क्यों करना है मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी मोल्ड है हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको मोल्ड दिखाया, उसको अच्छे से क्लीन कर लेना और उस पे ऑयल हमने अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे ही ऑयल अप्लाई किया तो जो हमारे पास जो मोल्ड था उसको हमें क्या करना है, फिल करना है 1/5। मतलब ये जो मोल्ड है पहले हमने मतलब 5 लेयर्स में हमने इसको फिल कर लेना, तो हमने देख लेना है हमें फर्स्ट लेयर बिछा देनी है। ठीक है, फर्स्ट लेयर हमने बिछाई। ठीक है, फिल 1/5 ऑफ द मोल्ड, मतलब हमें जो है इसको 5 लेयर में फिल करना है, तो हमने पहले एक लेयर बिछा दी। उसके बाद इसको कंपैक्ट करना है, मतलब इसको दबाना है। ठीक है, तो कंपैक्ट जब हम इसको करेंगे उसमें हम यूज करेंगे 56 ब्लोज, हम यूज करेंगे 56 ब्लोज का मतलब हो गया जैसे यहाँ पे डाला, उसके बाद इसको दबाना है, एक बार दबाया, एक बार ऐसे दबाते गए, ऐसे 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 दबाते गए, तो इसको 56 बार हमने हर जगह पे इसको दबाना है, मतलब इसको ब्लोज देने हैं। ठीक है, एंड यूजिंग द हैमर, उसमें जो हैमर यूज करना है ब्लो देने के लिए वो 4.89 केजी का हैमर यूज करना है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, ये आपके एमसीक्यूज में आ सकती है, तो आपको रिमेम्बर कर लेनी है। ठीक है, तो कितने ब्लोज हमने इसमें देने हैं, 56 ब्लोज देने, और कौन सा हैमर यूज करना है, 4.89 केजी का हमने इसमें हैमर यूज कर लेना है। ठीक है, तो एक लेयर हमने डाल लेनी है, इसको हमने कंपैक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखेंगे आगे हमने क्या करना है। उसके बाद जैसे ही हमने यहाँ पे एक लेयर डाल ली होगी इसमें, ठीक है, जैसे कि ये एक लेयर डाली, तो इसमें हमने स्क्रैचेस कर देने, स्क्रैच मतलब ऐसे स्क्रैचेस कर देने, स्क्रैच इसलिए करने कि जो दूसरी लेयर डालें तो वो इसमें इजिली फिट हो जाए, मतलब इसमें थोड़े से होल टाइप के बना लेने। स्क्रैच करना क्या हुआ, खोदना, किसी को खोदना। ठीक है, तो उसमें होल टाइप के बन जाएंगे। होल बनने के बाद हमने क्या करना, सेकेंड लेयर को फिल कर लेना, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि इसको 5 लेयर्स में फिल करना है। एक लेयर बनाई, फिर उसके बाद स्क्रैचेस किए, फिर हमने दूसरी लेयर को डाल देना है। ठीक है, दूसरी लेयर को डाला, फिर स्क्रैचेस बनाए। ठीक है, फिर हमने तीसरी लेयर डालनी है। ठीक है, जब हम तीसरी लेयर डालेंगे तो उस टाइम पे हम कॉलर भी अटैच करेंगे उसके साथ, जो कॉलर होता है वो भी हम उसके साथ अटैच करेंगे। ठीक है, और प्रोसेस चलता जाएगा। ठीक है, वैसे ही हमने डाल दी सेकेंड लेयर, डाल दी थर्ड लेयर, डाल दी थर्ड लेयर में हमने कॉलर भी ऐड करना है। ठीक है, वैसे ही हमने फोर्थ लेयर भी डाली, फोर्थ लेयर डालने के बाद जब हम फिफ्थ लेयर डालेंगे तो जो हमने कॉलर वहां पे डाला था वो हम रिमूव कर लेंगे। फिफ्थ लेयर में हम क्या करेंगे, कॉलर को रिमूव करेंगे, रिमूव कॉलर, रिमूव कॉलर। ठीक है, कॉलर को हम इस केस इस जो फिफ्थ लेयर है इसमें रिमूव करेंगे, और जो एक्सेस साइल है उसको स्टक अप करेंगे, जो भी एक्सेस साइल है उसको हम बाहर फेंक देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो बेस प्लेट है उसको रिमूव करेंगे, जो भी बेस प्लेट है नीचे उसको रिमूव करेंगे और मोल्ड को इन्वर्ट कर देंगे, मोल्ड को उल्टा कर देंगे, एंड उसको हम क्लैंप कर देंगे बेस प्लेट पे, जो भी जो हमारे पास सेटअप है उसके बेस प्लेट पे हम उसको क्लैंप कर देंगे, और हम सरचार्ज वेट डालेंगे 2.5 केजी का, एक सरचार्ज वेट डालेंगे। ठीक है, एक वेट होगा 2.5 केजी का, वो हम उस पर डाल देंगे टॉप सरफेस ऑफ द साइल पे, जो भी ये टॉप सरफेस साइल की होगी वहां पे हम सरचार्ज का वेट डालेंगे, कितना, 2.5 केजी का, 2.5 केजी का। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जो मोल है, ठीक है, उसको हम टेस्टिंग मशीन में डालेंगे, जो भी स्पेसिमन है उसको हम डालेंगे टेस्टिंग मशीन में। ठीक है, टेस्टिंग मशीन में डालने के बाद हम क्या करेंगे, उसको प्लंजर के कांटेक्ट में लाएंगे, जो भी प्लंजर होगा, ठीक
ठीक है, पेनिट्रेशन प्लंजर होगा उसके कांटेक्ट में उसको लाएंगे हम। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे दोबारा से बना देता हूँ, यहाँ पे लेयर्स में हमने साइल डाली है तो प्लंजर के कांटेक्ट में इसको ले आना है। ठीक है, तो प्लंजर क्या करेगा, प्लंजर के कांटेक्ट में लाना है और हमने इस पे लोड देना है कितना, 4 kg का। ठीक है, जो भी सीटिंग लोड हमने इस पे देना है 4 kg का, प्लंजर का जो लोड देना है 4 kg का हमने लोड देना है। ठीक है, और उस टाइम पे हमने डायल गाज की जो रीडिंग है उसको 0 पे सेट करना है। यहाँ पे सिस्टम में हमारे पास एक डायल गाज भी होगा, ठीक है, जिस पे रीडिंग लिखी होगी उसको हमने 0 पे सेट कर देना है। ठीक है, उसको 0 पे सेट हमने कर दिया, उसके बाद जो हमने लोड अप्लाई करना है वो इस तरीके से लोड अप्लाई करना है, जो 4 kg जो लोड इस तरीके से हमने अप्लाई करना है कि जो हमारे पास पेनिट्रेशन है वो कितनी रहे, 1.25 mm पर मिनट। ठीक है, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि 1.25 mm पर मिनट पेनिट्रेशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जो लोड पेनिट्रेशन जो है हमारे पास 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 7.5, 10, 12.5 mm। ठीक है, जो मतलब ये पेनिट्रेशन है इन पे हमने लोड की वैल्यू नोट कर ली। जैसे कि जैसे ही 0.5 जो mm पेनिट्रेशन हुई उस टाइम पे लोड कितना है वो हमने नोट करना है, 1 जब पेनिट्रेशन हुई उस टाइम पे लोड कितना है वो नोट करना है, वैसे ही सब की हमने वैल्यू जो है नोट करनी है। ठीक है, तो इसमें से मेन जो वैल्यूज हम लेते हैं वो लेते हैं 2.5 की, 5 की। 2.5 पे कितना लोड आया वो हम ले लेते हैं, 5 mm पे कितना लोड आया वो हम ले लेते हैं। ठीक है, ये दो वैल्यू में हम यूज करते हैं, लेकिन हमने सारी वैल्यूज क्या करनी है, निकाल लेनी है। ठीक है, तो उसके बाद ये हमारे पास टेबल यहाँ पे दिया हुआ है, स्टैंडर्ड लोड वैल्यूज। ठीक है, स्टैंडर्ड लोड वैल्यूज टेबल दिया हुआ है CBR टेस्ट का, तो ये हमने देख लेना। यहाँ पे पेनिट्रेशन है 2.5 mm पेनिट्रेशन के लिए जो स्टैंडर्ड लोड है वो है 1370, वैसे ही 5 mm पे है, 7.5, 10 mm, 12.5 mm की जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं ये हमारे पास दी होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है, जो हमने ऑब्जर्वेशन लिखनी है, क्या लिखना है यहाँ पे, वेट ऑफ द साइल टेकन। तो साइल कितनी ली थी हमने, 5 kg यहाँ पर ली थी। वेट ऑफ सरचार्ज, जो सरचार्ज हमने डाला वो जो लोड हमने एक्स्ट्रा जो डाला था वो कितना डाला था, वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, देन एरिया ऑफ प्लंजर, जो प्लंजर हमने यूज किया उसका एरिया कितना था वो यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, देन लिख लेना हमने प्रोविंग रिंग कैलिब्रेशन फैक्टर, तो वो मशीन का जो प्रोविंग रिंग कैलिब्रेशन फैक्टर होगा वो भी हमारे पास मशीन के साथ हमें आएगा, वो हमने लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये टेबल हमने बना के यहाँ पे टेबल में लिख लेना है सीरियल नंबर। ठीक है, पेनिट्रेशन कितनी पेनिट्रेशन हुई, प्रोविंग डायल जो रीडिंग है वो लिखनी है, देन लोड ऑन प्लंजर कितना आया, कलेक्टेड लोड कितना आया, यूनिट लोड कितना आया। ठीक है, तो ये करने के बाद हमें क्या करना है आगे, और हमने इसका रिजल्ट बनाना है, वो कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसका हम रिजल्ट लिखेंगे, कैरी CBR टेस्ट का रिजल्ट लिखेंगे। CBR टेस्ट का जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो CBR रेशियो है, कैलिफोर्निया बीडिंग रेशियो जो है, 2.5 mm पेनिट्रेशन का हम नोट करेंगे कितना आया। ठीक है, उसके बाद हम कैलिफोर्निया बीडिंग रेशियो हम 5 mm पेनिट्रेशन का नोट करेंगे, और उसके बाद हम नोट करेंगे कैलिफोर्निया बीडिंग रेशियो ऑफ सब ग्रेड वो कितना होगा। ठीक है, तो ये कैसे निकालते हैं, कैलिफोर्निया बीडिंग रेशियो आप 2.5 mm का कैसे निकालते हैं, 5 mm का कैसे निकालते हैं, तो ये यहाँ पे इसका जो फार्मूला है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये हम निकालते हैं CBR वैल्यू, कलेक्टेड लोड वैल्यू। ठीक है, कलेक्टेड लोड वैल्यू जो पीछे टेबल देखा हमने वहां पे लिखा था, कलेक्टेड लोड वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड लोड। ठीक है, तो स्टैंडर्ड लोड भी मैंने आपको पीछे दिखा दिया। ठीक है, ये है टोटल स्टैंडर्ड लोड। ठीक है, और ये हमने यहाँ पे लिख लेना, और जो कलेक्टेड वैल्यू जो मैंने पीछे दिखाई तो वो करके उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू लिख लेंगे, यहाँ पे भी लिख लेंगे, और ये जो वैल्यू आएगी इन दोनों का जब मीन कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, और वही हमारे पास वैल्यू होगी कैलिफोर्निया बीडिंग रेशियो ऑफ सबग्रेड साइल। ठीक है, आई होप आपको इसमें से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास फ्यूचर में ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स की अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू।